हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एग्जाम। दोस्तों, बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आया है। आपको बहुत ही इंतज़ार होगा हमारे वीडियो का, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलती है जिससे आपको अपनी तैयारी में हेल्प होती है और अच्छे से तैयारी कराई जाती है। जो बार्क का बम्पर रिक्रूटमेंट निकल के आया है फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए, बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई हैं और ऐसा मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हमें इस बार अच्छे से तैयारी करनी है और अपनी जॉब पाकर रहना है, अपनी एक सीट कंफर्म करके रहना है। तो दोस्तों, बार्क के लिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम एंड एडवांस एग्ज़ाम होता है, दोनों की तैयारी हम इस चैनल पर करा रहे हैं। आज से आपको डेली वीडियो देखने को मिलेगा। आपके लिए मैं बता दूं, जो इसमें साइंस और मैथ और जीके जीएस आता है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका टेक्निकल कितना भी अच्छा हो रखा का रखा रह जाएगा। तो दोस्तों, आपको भी पता होगा जो गोरखपुर वाला अभी एनपीसीएल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ओनली ऑल ओवर इंडिया से 20 लड़के फर्स्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो दोस्तों, आपको जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो भी सीरियसली लेना है और उसके लिए अच्छे से तैयारी करना है। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर आपके लिए बताना चाहूँगा, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 क्वेश्चन उसमें मैथ के आते हैं और 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, 10 क्वेश्चन जीके के आते हैं। आपके लिए अच्छे से पता होगा, बट गाइज मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो साइंस में यहाँ पर साइंस और मैथ पर आपको फोकस करना है। देखिए, साइंस और मैथ आप ऐसे मत समझिए कि बहुत ही लो लेवल का आता है और आसानी से आप उसको कर पाओगे, ऐसा नहीं है गाइज। देखिए, एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं कह सकते हैं हम, कैसा आएगा, लो आएगा, मीडियम आएगा, हाई आएगा, इसलिए आपको कम से कम इतनी आपकी तैयारी रखना है कि आप क्वालिफाई आसानी से कर पाओ, 60 नंबर और 45 नंबर आप ला पाओ। तो गाइज, यहाँ पर आप अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ नहीं आता, मैथ से डर लगता, तो हम साइंस तो कर ही सकते हैं। अगर आपके 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, अगर आपकी टोटल साइंस बन जाती है 20 में से आपके अगर 15 ही बन जाते हैं और 2-3 आपके आराम से मैथ में आसानी से बन जाएंगे और दो या तीन आपके आसानी से जीके में बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 15 और 3 18 और 2 20, अगर 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाए तो आप आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। और इस चैनल पर जो वीडियो आएंगी साइंस की, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो, जो आपने देखा कि टॉप 1500 क्वेश्चन, अगर आप पूरे के पूरे 1500 क्वेश्चंस की वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर देख लेते हो, तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो के 1500 क्वेश्चंस में से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए इन्फॉर्मेशन आपको देना मैंने ज़रूरी समझा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर आपके लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स और आपके लिए केमिस्ट्री, ये दो जो साइंस के टॉपिक होते हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आपको मेन फोकस करना है। हमने भी यही किया, और जो बायोलॉजी होती है उससे बहुत कम क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कभी कभी तो मिलते ही नहीं हैं। जो डीए के डिपार्टमेंट के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से, मोस्टली फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो हम फिजिक्स के 500, केमिस्ट्री के 500, बायोलॉजी के 500 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आप साइंस के क्वेश्चन वहाँ पर अच्छे से बना पाओगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 × 10^15 मीटर के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। क्वेश्चन नंबर 3, एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10^5 न्यूटन डायन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्य का ऐसा मात्रक क्या, कार्य का ऐसा मात्रक जूल। 1 जूल कितने के बराबर होता है, तो 1 जूल 10^7 अर्ग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, समय का ऐसा मात्रक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, लास्ट तक देखिए, इसमें 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसी 50 या 100 क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए डेली मिलेगी, तो आपकी साइंस की जो 1500 क्वेश्चन है जल्दी से आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। यहाँ पर ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 11 पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है वो जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है तो वो कौन सी आपकी राशि कहलाती है वो आपके लिए यहाँ पर बताना है। जिनमें केवल परिमाण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 द्रव्यमान चाल दूरी आयतन कार्य समय ऊर्जा विद्युत धारा ताप दाब ये किसके उदाहरण हैं। तो ये द्रव्यमान चाल दूरी आयतन कार्य समय ऊर्जा विद्युत धारा ये किसकी अदिश राशि के उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर दूरी जैसे है तो दूरी कुछ भी हो सकती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें केवल परिमाण निकलता है कितनी दूरी तय की गई है। तो जिसमें दिशा नहीं होती ओनली परिमाण होता है वो अदिश राशि आपकी कहलाती है। देखिए द्रव्यमान चाल दूरी आयतन ऊर्जा समय ऊर्जा विद्युत धारा ये हमारी अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 वेग विस्थापन बल तथा त्वरण ये किसके उदाहरण, ये सदिश राशि के उदाहरण है। आपके लिए सदिश और अदिश राशि याद करने की एक ट्रिक मैं आपके लिए बता देता हूँ। मोस्टली जो सदिश राशि होती है उनमें बा जो आपको देखने को मिलता है जैसे वेग विस्थापन बल त्वरण, तो ये क्षेत्र देखिए ये जो बा मोस्टली जो सदिश राशि होती है उनमें पहले बा देखने को मिलता है। तो अगर आप कोई भी शब्द लिखा है तो उसमें अगर बा आंग लगा है जैसे बल विस्थापन वेग तो आप समझ जाएंगे सदिश राशि है। जिसमें बा नहीं है उसमें आपके लिए अदिश राशि देखने को मिलती है ओनली विद्युत धारा छोड़ करके, जैसे द्रव्यमान चाल दूरी आयतन इसमें बा आंग नहीं है, ठीक है। ये आपको ट्रिक है बेसिकली आपको याद रखने की कि आपको याद हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था, तो प्रिंसिप या जो पुस्तक है उनकी उसमें न्यूटन ने गति का पहले नियम को सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 21 ये हमने कर ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि कोई वस्तु ब्रह्म अवस्था में है तो वह ब्रह्म अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उससे परिवर्तन ना किया जाए, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है, प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। आपको पता होगा न्यूटन के तीनों नियम को आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रथम नियम को गैलीलियो के नाम से भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, गैलीलियो का नियम एंड जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 24 ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह न्यूटन के किस गति को प्रदर्शित करता है, यह न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम को प्रतिपादित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है, यह न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है, एक्शन एंड रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया एक न्यूटन के तृतीय नियम में होता है। 27 है ऊर्जा का एसआई मात्रक आपको याद रखना है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे 28 बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा ये दोनों किस ऊर्जा के उदाहरण हैं, ये दोनों स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और जनरेटर भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको टिक लगाना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छे से याद रखना। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, यानी जो ऐसी चीज़ जिसमें ऊर्जा उसमें इकट्ठी की गई, जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी, जैसे हम बांध को तोड़ेंगे तो वो पानी आगे चल जाएगा, यानी उसमें स्थित है ऊर्जा, उसमें हम कुछ भी कर सकते, जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। अगर ये दोनों किसके स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है, गतिज ऊर्जा कोई भी चीज़ कोई वस्तु गति कर रही है वो ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है,
देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा में करता है डायनेमो, और रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मोमबत्ती जो होती है वो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन, जो ध्वनि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो विद्युत ऊर्जा आपके पास मोबाइल से आवाज़ आ रही है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है हमारा माइक या माइक्रोफोन। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर, जो आप मोबाइल से इस आवाज़ को सुन रहे हो वो विद्युत ऊर्जा जो सुन रहे हो आप लाउड स्पीकर से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, तो वो जाएगा लाउड स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 35, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत सेल। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सितार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट या अश्व शक्ति, जिसे HP कहते हैं। जो देखिए, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट या शक्ति, ये जैसे अगर बोला जाए कि कारखानों की शक्ति या फैक्ट्री या इंडस्ट्री की शक्ति का सही मात्रक होगा तो अश्व शक्ति, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में शक्ति यूज किया जाता है, और नॉर्मली अगर शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो वाट होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ जाता है। जब ऊपर की ओर जाएगी तो जो पिंड का भार है वो बढ़ जाएगा, जब नीचे की ओर आएगी तो पिंड का भार है वो घट जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? उसे बोलते हैं भू स्थाई उपग्रह, जियो सैटेलाइट उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? आर्थर सी क्लॉर्क ने सबसे पहले इसे स्थापित किया था। दाब एक स्थापित करने की संभावना सबसे पहले व्यक्त की थी आर्थर सी क्लॉर्क ने। दाब एक अदिश राशि है, दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। दाब से जरूर ही क्वेश्चन बनता है, या तो दाब का यहाँ पर फॉर्मूला पूछ लेगा, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, या आपसे इसका ऐसा ही मात्रक पूछ लेगा, या आपसे इसकी यूनिट पूछ लेगा, तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर वायुमंडल दाब का ऐसा ही मात्रक होता है बार, आपके लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कितने के बराबर होता है? एक बार 10^5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 10^5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक बार। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक, ऊंचे पर्वतों पर खाना पकाने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए ऊंचे पर्वतों पर खाना पकाने में दिक्कत होती है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पार्ट टैंक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है? वर्षा होने की। धीरे धीरे नीचे गिरता है वर्षा होने की, और अचानक से नीचे गिरता है तूफान आने की संभावना होती है। ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो का पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। अगर आप लाइक करते हो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।